नमस्कार दोस्तों, जॉब्स इंडिया डेली पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय किशन कुमावत। नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक देखो, रिमाइंडर थ्योरम। देखो रिमाइंडर थ्योरम आपके यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक एग्जाम, किसी प्रकार का एग्जाम हो वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम कोई ऐसा, आप देखो रिमाइंडर थ्योरम से सिंपल पर में कोई बड़ी कुछ भी नहीं है। जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ, पहले पढ़ा हुआ बचपन में, वही थ्योरम है, उसी को रिमाइंडर थ्योरम कहा गया है। देखो इसको समझते हैं पहले कैसे क्या हो गया। मान लो देखो, इधर देखो बिल्कुल सिंपल वही है जो अपन ने पहले ये सब पढ़ा हुआ है। तो ये डिवाइड मतलब भाग देते थे, उसके बाद में जो भी आता था वो क्या आता, रिमाइंडर थ्योरम होता था अपना, ठीक है। तो देखो इधर मान लो यहाँ पर अपना है 5 है और यहाँ पर अपना है 14 क्या, सॉरी अपन थोड़ी बड़ी संख्या लेंगे, 37 है, ठीक है ये वाला। तो इसे क्या बोलते थे अपन, इसे क्या बोलते अपन, डिवाइजर। ये क्या होता अपना, डिवाइजर। और ये क्या होता अपना, डिविडेंट। अब डिवाइजर होता है, ये क्या होता है, डिविडेंट होता है, ठीक है। मतलब इसको तो हिंदी में बोलते अपन भाजक, भाजक। और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, डिवाइजर, ठीक है। और ये क्या होता अपना, इसे बोलते अपन हिंदी में भाज्य, भाज्य। देखिएगा डिविडेंट, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, डिविडेंट, ठीक है। तो ये तो अपना क्या है, डिवाइजर है, और ये क्या अपना, डिविडेंट है, ठीक है। अब इसका मैंने इसमें भाग दिया, ठीक है, ध्यान देना एक बार, इस परमिट बनाएंगे अभी। ये मैंने इसमें इसका भाग दिया, भाग देने के बाद, भाग देने के बाद देखो इधर मैंने इसमें इसका भाग दिया, कितनी बार जाएगा भाई भाग, 7 × 5 = 35, तो कितनी बार गया, 5 बार, 5 बार ही गया ना, 7 × 5 = 35, भाग कितनी बार गया, 5 बार, और शेष कितना बच गया माइनस करने पर, 2, मतलब रिमाइंडर कितना बच गया, रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया, 2, ठीक है। तो मैं इसको, इसको क्या कहता हूँ हिंदी में, भागफल, क्या कहते हैं, भागफल, ध्यान देना मेरी बात, क्या कहते हैं इसको, भागफल। और इसको अपन बोलते हैं शेषफल, क्या बोलते हैं, शेषफल, शेष फल, जिसे अपन बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर मतलब शेष फल। और ये होता अपना क्वेश्चेंट, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ही, तो यहाँ से ही तो बनता अपना फॉर्मूला, क्या होता देखो हिंदी में लिख देता हूँ, फिर बाद में इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में लिख दूंगा। तो अपना क्या होता है ये फॉर्मूला, ये प्रमेय होती है, वो क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस प्लस शेषफल, ठीक है। ये जो थ्योरम है अपनी, ये जो है, ये है ना सब कुछ, यही क्या है तुम्हारी, शेषफल प्रमेय है, ठीक है। मतलब जो शेष आता है उसी क्या कहेंगे अपन, शेषफल प्रमेय। अब अपना क्या होगा भाई, इंग्लिश में देखो भाई, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, वही डिविडेंट, डिविडेंट इक्वल क्या होगा तुम्हारा, डिविडेंट इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, भाजक, भाजक क्या होता अपना, डिवाइजर, डिवाइजर इनटू भागफल अपना क्या होता, क्यूसेंट होता है, क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर क्या होता अपना, ये रिमाइंडर, ठीक है, देख लेना भाई, मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये होता अपना। तो आपको बस ये इतना सा देखना है कि भाई यही तो होती है अपनी भाग शेषफल प्रमेय, ठीक है। अब शेषफल प्रमेय ये होती है, इसके बाद में देखो ये क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, मतलब डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमेनिंग पार्ट या रिमाइंडर, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि देखो इसमें एक और कंसेप्ट, आप देखो इधर कंसेप्ट देखो क्या, कि देखो रिमाइंडर आता कितना अपना, देखो मान लो कोई नंबर अपना 18 है और यदि मैं इसको 15 से डिवाइड किया तो मेरा जो शेषफल आएगा, 15 × 15 एक बार जाएगा, शेषफल कितना गया, 3, ठीक है। अब मान लो अपना कोई नंबर है 108,
और उसको मान लो 12 से डिवाइड किया, तो 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है ना, जीरो। देखना अभी एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अब एक नंबर है कोई भी मान लो, ठीक है, ये मेरा नंबर है एट नंबर है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये डिवाइड जा सकता है, हो सकता है क्या? नहीं होगा। ये डिवाइड नहीं होगा तो इसका रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, 8 ही आएगा। कितना आ जाएगा, 8 आएगा। कैसे, देखो आप बोलोगे सर कैसे डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, तो कैसे होगा? तो मान लो अपना कितना, ये 8 है और ये कितना 13 है, तो भाग ही नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ पर जीरो लिख दूँ, माइनस करूँ, तो भाग यहाँ पर जीरो भी कुछ नहीं किया, माइनस किया तो रिमाइंडर कितना बच गया तुम्हारा, 8। तो ये 8 तो रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो भाई देखो भाग दे रहा हूँ तो देखो कितना है भाई, इसमें भाग दिया तो रिमाइंडर मतलब शेषफल। रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेषफल। देखो इसमें जो शेषफल आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें इसका भाग दिया तो शेषफल कितना है, 3 आया। इसमें मैंने इसका भाग दिया तो कितना है, 0 आया। और इसका मैं इसका भाग दिया तो कितना आएगा। और एक और नंबर देखता हूँ मैं, एक और नंबर देख रहा हूँ, देखो एक और नंबर लेता हूँ मैं कि मान लो मेरा ये है 14 और मैंने इसको 15 से डिवाइड किया मैं करूँगा, तो ये इसका जो रिमाइंडर है ना वो यही आ जाएगा। मतलब यदि किसी बड़ी संख्या को उसकी उससे छोटी संख्या में डिवाइड करते हैं तो उसका शेषफल क्या आ जाता है, जो वही संख्या आ जाती है। बड़ी संख्या देखो यहाँ पर, और ये कौन सी छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या से किसी छोटी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, छोटी संख्या आ जाती है। तो देखो इनसे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष ये निकलता है यदि किसी संख्या को, नोट लगा के देख लिख लेना बेटा, क्या होता है, यदि किसी संख्या को n से विभाजित किया जाता है यदि किसी संख्या को n से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमेशा n से छोटा होगा। जो इसका रिमाइंडर है, जो शेषफल बचेगा, देखो यहाँ पर भी 5 से छोटा बचा था, यहाँ पर भी देखो कमी आया था, यहाँ पर 0 आ गया, 0 आ सकता है, ध्यान रखना कोई दिक्कत नहीं है। 13 था तो यहाँ पर कितना था, 8 आया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने 15 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 14। अब 15 से 15 को डिवाइड करते हैं क्या आ जाएगा, देखो 0 आ जाएगा। देखो उसको संख्या को 100% देखो एक से कोई छोटी नहीं होगी, मतलब आप बोलोगे ज़्यादा हो ही नहीं सकती क्योंकि शेषफल 0 आके छोटे से जाएगा। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम आपको मैंने समझाया कि यदि किसी संख्या मतलब किसी बड़ी संख्या को उसकी उससे छोटी संख्या में भाग दे देते हैं तो उसका शेषफल क्या आ जाता है, जो ऊपर वाली अंश में होती है मतलब डिनोमेटर में होती है वही नंबर क्या आ जाती है, वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो अपन यहाँ से निष्कर्ष क्या निकाले, यहाँ इन पूरी बातों से निष्कर्ष क्या निकला अपना, यही निकला कि यदि किसी संख्या को n से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमेशा n से छोटा होगा। बात आ रही नहीं आ रही, तो देखो एक दो कंसेप्ट और ले रहा हूँ, फिर उसके बाद में देखो आगे और समझेंगे अपन, देखो ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये इसको आप नोट कर लेना, और देखो आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी देखेंगे और इसके जो अलग कॉन्सेप्ट है कॉमन फैक्टर वाले, जो कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, वही शेषफल कितना आता है कितना नहीं आता वो भी हम बताएंगे आपको यहाँ से, ठीक है। अब देखो कुछ देखो यहाँ से कॉमन फैक्टर देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन अपन का देता है। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्या देखो तुम्हारा, कि एक क्वेश्चन ऐसा है, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, छोटा सा क्वेश्चन रिमाइंडर थे क्वेश्चन है,
एग्जामों में पूछ लिया जाता है। यदि ये दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या को 23 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 व 11 बचता है और दोनों संख्याओं का योग भी 23 से विभाजित होता है, 23 से विभाजित होता है तो 23 से विभाजित, दोनों संख्याओं का योगफल भी 23 से विभाजित होता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखो ऑप्शन दे रहा हूँ, 13 से 24 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, देख बेटा आपको, ए ऑप्शन है तुम्हारा 5, बी ऑप्शन है तुम्हारा 12, सी ऑप्शन है तुम्हारा 1 और डी ऑप्शन है तुम्हारा 18। ठीक है, देखो मैं एक तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करा दूंगा, पहले तो इसका कंसेप्ट समझ लें फिर कैसे करेंगे। देखो भाई, कोई भी संख्या है उस 23 से क्या करती है, विभाजित हो जाती है। तो देखो फर्स्ट पहली जो संख्या होगी वो क्या होगी, देखो अपनी ध्यान से देखना, पहली जो संख्या होगी वो क्या होगी, मान लो यदि वो 23 से विभाजित होगी तो 23 गुणा मान लो x मान लेते हैं, तो वो संख्या क्या होगी, 23 गुणा x प्लस रिमाइंडर कितनी दे दी थी 13, वो विभाजित हो रही है 23 से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने टाइम हो रही है अपन को पता नहीं, 2 से हो, ठीक है। तो और शेषफल कितना दे दी थी 13। और जो दूसरी संख्या है, वो क्या होगी, 23 गुणा x क्या हो जाएगी, 23 गुणा x नहीं सॉरी y टाइम होती है, और ये शेषफल कितना दे दी थी 11। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का योगफल भी क्या करता है, 23 से विभाजित करे, इन दोनों का योगफल भी 23 से विभाजित करे तो इनका शेषफल कितना आएगा, मतलब इन दोनों संख्याओं का योग को 23 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो इन दोनों का योग करें अपन, देखो इन दोनों संख्याओं का योग करें तो कितना आ जाएगा, 23x प्लस 13 प्लस 23y प्लस 11 बट्टे क्या आ जाएगा 23, क्योंकि 23 से विभाजित करना है। तो देखो मैं ये वाला 23 और ये वाला 23 दोनों को एक तरफ कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 23x प्लस ये कौन सा तुम्हारा 23y, तो ठीक है बटे क्या है 23 और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 11 और ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये वाला पूरा नंबर तो क्या 23 से डिवाइड है, तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये तो 23 से विभाजित है, तो बचा कौन सा ये, तो अपन क्या करेंगे 24 बटे क्या कर देंगे 23, यदि 23 का इसमें भाग दिया तो शेषफल कितना जाएगा, देखो शेषफल कितना जाएगा एक, ठीक है। तो आपको इतना करोगे तब आ जाएगा ये शेषफल, अपना आंसर कितना आएगा एक। देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते अपन, क्योंकि दोनों का योग है तो शेषफल भी क्या होगा, विभाजित होगा, तो बस आपको क्या करना था 13 प्लस 11 बट्टे कितना करना है 23, दोनों को जोड़े तो कितना 24 बट्टे कितना 23, 23 का अपन ने भाग दिया, 23 का इसमें भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा एक, डायरेक्ट इतना ही करना है। क्वेश्चन पढ़ा, शेषफल देखा, खत्म कहानी। ये क्या है बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट है आपका, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है, और ये क्या तुम्हारा डायरेक्ट है जो अपन एग्जामों में करेंगे। तो ये चीज़ें आने के बाद अपने आप ये चीज़ें अपनी अप्रोच बनने लग जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, एक क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का। अब रिमाइंडर थ्योरम से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट और देखते हैं। देखो
देखो बच्चों, एक एक चीज़ में क्लियर कराता रहूँगा। अब इसके बाद में देखो, आपका नंबर सिस्टम में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ करा दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो गया था। क्लासिफिकेशन नंबर होने के बाद में आपका जो भी इसमें बचता था, नंबर ऑफ फैक्टर से पहले जो भी नंबर ऑफ जीरोज, जो भी अपना था इसमें, जो भी आपके टॉपिक में था, जो सब कुछ अपन ने क्या कर दिया, करा दिया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब देखते हैं। देखो एक और कंसेप्ट मैं सिखाता हूँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने को, कॉमन फैक्टर वाले। देखो यदि यदि आपके पास में दी ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो, यदि एन है, यदि एन तुम्हारे पास कौन सी हो, विषम सम संख्या हो, यदि एम एन क्या हो तुम्हारे पास, सम को क्या बोलते हैं अपन, इवन नंबर हो, तो एन यदि सम संख्या हो तो देखो ये क्या होगा, यदि एन सम संख्या है, ठीक है, तो सम संख्या मतलब टू, सम संख्या होगा मतलब ए की पावर टू, यस, और बी की पावर क्या होगा, टू, ठीक है। फिर ये क्या होगा, ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर, तो ये वाले नंबर किसी से विभाजित नहीं है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर है ना वो बनेगा ही नहीं, ठीक है, रख के देख लो, चाहे टू रखो फोर, तो ये क्या डायरेक्ट नहीं बन रहा ना। अब देखो मैं यदि इसी के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट में देखो ध्यान से देख लेना, एक एक चीज़ समझा दूंगा मैं, क्लियर कर दूंगा आपको यहीं। अगला देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि तुम्हारे ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये है, यदि एन विषम संख्या है, ध्यान देना, एन क्या हो, विषम संख्या, कहने का मतलब विषम संख्याएं मतलब क्या हो, तुम्हारी ओड नंबर हो, तो देखो ओड नंबर होगा तो कैसी होगी वो भी बताऊं, तो ओड नंबर है तो देखो इसका क्या हो जाएगा, ए की पावर वन प्लस बी की पावर वन लेंगे, फिर क्या, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा ना, आएगा नहीं आएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी, फिर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका जो कॉमन फैक्टर है, किसका, यदि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो, और एन क्या तुम्हारी विषम संख्या हो, एन तुम्हारी क्या हो भाई, कोई भी विषम संख्या हो, एन क्या हो भाई, विषम संख्या हो, एन क्या तुम्हारी विषम संख्या हो, तो आप क्या कह सकते हो कि बस आप डायरेक्ट इससे बता दे सकते हो कि इनका जो कॉमन फैक्टर ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी इन दोनों का योगी को डायरेक्ट विभाजित कर दो, तो आराम से ये संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में थर्ड कॉन्सेप्ट सीखो, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखो यदि ए की पावर एन क्या जाए, यदि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, अभी क्वेश्चन बताएंगे, देखो बेटा एक ही क्वेश्चन लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, ए की पावर एन और बी की पावर एन क्या हो, तो पहले अपन क्या ले लें कि सम संख्या हो, कौन, एन, एन क्या हो, सम संख्या हो, मतलब इवन नंबर हो, कौन सा हो, इवन हो, तो देखो यदि अपन सम संख्या लेंगे तो क्या हो जाए, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ध्यान देना भाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है अपना, देखो ए माइनस बी और क्या होता है, ए प्लस बी, तो कहने का मतलब इसका कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी भी होगा और क्या होगा, ए प्लस बी भी होगा, मतलब ये वाली ये संख्या से भी विभाजित होगी और ये वाली इस संख्या से भी विभाजित होगी, लेकिन जो ये नंबर्स है ये वाले, ये तो किसी से नहीं होगा, ना तो ए प्लस बी से डिविजिबल होगा, ना ही ए माइनस बी से डिविजिबल होगा, दोनों से नहीं होगा, और ये वाला ओनली ए प्लस बी से डिविजिबल होगा और ए माइनस बी से डिविजिबल ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि ए की पावर एन और बी की पावर एन, एन यदि इन दोनों की सम संख्या है, यदि एन इन दोनों की सम संख्याएं हैं तो ये क्या होगा, इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, ये तो इन दोनों को घटा दो या इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पे भी डिविजिबल होगा और घटाने पे भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। देखो थर्ड कंसेप्ट, फोर्थ कंसेप्ट क्या है तुम्हारा, यदि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हो, यदि एन तुम्हारी क्या हो, विषम संख्या हो, एन क्या हो, विषम संख्या, विषम संख्या क्या बोलते हैं अपन, ओड नंबर, ठीक है। तो
ले ले एक नंबर ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा भाई, आएगा नहीं आएगा। यदि अपन दूसरे क्या ले, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब ले, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो देखो ये वाला नंबर भी इससे डिविजिबल है और ये वाला भी नंबर भी इससे डिविजिबल है। तो कहने का मतलब यदि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हो और एन क्या हो तुम्हारी, एन क्या हो तुम्हारी विषम संख्या हो, तो ए ये है संख्या जो हमेशा ए माइनस बी, इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर कौन सा ए माइनस बी से हमेशा क्या होगी डिविजिबल होगी, किससे डिविजिबल होगी ए माइनस बी से हमेशा डिविजिबल होगी, ना कि इससे नहीं होगी, ध्यान रखना a प्लस बी से ये डिविजिबल नहीं होगी, किससे डिविजिबल होगी ये a माइनस बी पे, ठीक है।